हे एवरी वन, दिस इज़ पूर्वा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। एंड जैसा कि आप सबों ने अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा एंड बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आपका कॉलेज दिखता कैसा है, तो चलिए आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ कि हमारा कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, क्लासेस कहाँ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे कॉलेज का मेन एंट्री गेट। यहाँ पर आपको एंटर कैसे करना है, आपको अपना आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ रखना है। अगर आप किसी व्हीकल से आते हो तो आपको पार्किंग कार्ड भी अपने पास यहाँ पर रखना है, क्योंकि आप जब यहाँ पर एंटर करोगे तो ये हमारे गार्ड अंकल्स हैं, ये आपका आईडी कार्ड और पार्किंग कार्ड चेक करेंगे और तभी आपको कॉलेज में एंटर करने देंगे। अब यहाँ से एंटर करने के बाद एंट्री गेट के जस्ट राइट साइड में आपको एक शॉप दिखाई देगा जहाँ पर फोटोकॉपी, जेरोक्स, प्रिंट आउट वगैरह होता है। देन उसके जस्ट बगल में हमारा अमूल कैंटीन है और अमूल कैंटीन के बगल में भी एक छोटा सा कैफेटेरिया है। इसके बाद ये हमारा कामिल बुल्के का स्टैचू है। यहाँ से हम स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आपको वो एक सामने में जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम है, जहाँ पर जितने भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, वो सारे प्रोग्राम्स उसी ये ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। देन अब हम यहाँ से स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे तो आपको हमारा NSS का ऑफिस दिखाई देगा। अगर आप NSS ज्वाइन करते हो तो आपका जो भी मीटिंग वगैरह हेल्ड होगा वो इसी ऑफिस में होगा। यही ऑफिस हमारा फेस्ट ऑफिस भी है, जो हमारा कॉलेज फेस्ट के टाइम में जेवियर उत्सव जो होता है उस टाइम में यूज़ होता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने पर राइट साइड में आपको ये छोटा सा एंट्री गेट दिखाई देगा जो प्रोफेसर्स के लिए है एंड ओनली फॉर बॉयज़ जो डिपार्टमेंट की ओर जाता है। ये हमारा नोटिस बोर्ड है जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हॉलीडेज़ के नोटिस आते हैं, जो आप दिन में एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर ये हमारा जो मेन बिल्डिंग है उसका फ्रंट लुक है, इसी के अंदर आपके सारे डिपार्टमेंट्स और क्लासेस होते हैं। यहाँ पर आपका क्लासेस में जाने के दो रास्ता है, बॉयज़ आपको इस रास्ते से जाना है एंड गर्ल्स आपको इस रास्ते से जाना है। हमारे कॉलेज में बॉयज़ के लिए अलग स्टेयर्स है एंड गर्ल्स के लिए अलग स्टेयर्स है। गर्ल्स का स्टेयर्स केवल गर्ल्स यूज़ करेंगी एंड बॉयज़ का स्टेयर्स केवल बॉयज़ यूज़ करेंगे। अगर एनी हाउ गर्ल्स के स्टेयर्स पर बॉयज़ पकड़े जाते हैं तो उनका आईडी कार्ड सीज हो सकता है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये हमारे कॉलेज का सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पर आप अपने लीजर पीरियड में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ स्ट्रेट एंटर करने के बाद आपको एक काउंटर दिखाई देगा जहाँ पर आपको एक रुपया जमा करना है और बदले में आपको 5 स्लिप्स दिए जाएंगे। वहीं पर आपको 2 कंप्यूटर भी दिखाई देंगे, उस कंप्यूटर में आपको बुक का नाम सर्च करना है जो आपको इशू करवाना है, फिर उस स्लिप में उस बुक का रेफरेंस नंबर, आपका नाम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर वगैरह भरना है और उस स्लिप को अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस स्लिप को कहां पर जाकर जमा करना है और कहां से बुक लेना है। सेंट्रल लाइब्रेरी के बगल वाले स्टेयर से हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। आपको अपना क्लासेस फाइंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारे फ्लोर्स पे आपका रूम नंबर कहां पर है प्रोवाइड किया गया है। इधर आपका कॉमर्स का डिपार्टमेंट है एंड यहीं पर आपका वाइस प्रिंसिपल का भी ऑफिस है। ये गर्ल्स के लिए स्टेयर्स है जो सेकंड फ्लोर की ओर जाता है एंड थोड़ा आगे बढ़कर राइट टर्न लेने पर ये बॉयज़ का स्टेयर्स है जो सेकंड फ्लोर पे जाता है। फिर हम यहाँ से अब लेफ्ट टर्न लेंगे और ये आगे में जाकर आपका प्रिंसिपल का ऑफिस है और इधर से ही आपका सेकंड फ्लोर पे जाने का भी 2 और रास्ता है। अब हम फिर से नीचे आएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी के पास और आगे बढ़ेंगे और ये रास्ता हमारा जाता है क्वाड्रेंगल की ओर। इधर राइट टर्न लेने पर आपको 2-4 छोटे छोटे ऑफिस दिखाई देंगे जहाँ पर आपका हमेशा ही आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि यही सारे ऑफिस में जो भी पेमेंट्स वगैरह, फ़ी का, स्कॉलरशिप, TC वगैरह का काम होता है वो आपका इसी ऑफिस में होगा। इसी ऑफिस के जस्ट बगल में आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पर अगर आपका किसी रीज़न की वजह से बैक लगता है, अटेंडेंस बैक या और कोई रीज़न है, तो आप वहाँ पर जाकर बात कर सकते हो, एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हो। ओके, देन ये हमारा सेकेंड मेन एंट्री स्टेयर्स है जो सारे डिपार्टमेंट्स की ओर जाता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है तो हमेशा 5 मिनट पहले आ जाया करना यहाँ पर। देन ये है हमारा फेवरेट प्लेस क्वाड्रेंगल, जहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर
बहुत सारी मस्ती करते हैं, यस पढ़ाई भी करते हैं। इसके बाद ये है हमारा सामने बे अब NCC का ऑफिस, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाया है इस पर। इसके देन जस्ट बगल में है हमारा ऑल इंडिया कैथलिक यूनिवर्सल फेडरेशन, आई गेस, जो हमारे आदिवासी कम्युनिटी जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। फिर यहाँ से आगे स्ट्रेट जाकर ये नल है पानी पीने के लिए। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट आगे जाएंगे तो आपको हमारा PG बिल्डिंग मिलेगा। और इसके जस्ट बगल में आपको ये सेट दिखाई देगा, जहाँ पर आप अपने ब्रेक पीरियड में आकर बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद ये हमारा मेन बिल्डिंग है, जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में कॉमर्स डिपार्टमेंट, सेकंड में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, थर्ड में ज्योग्राफी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ में मास कॉम एंड बाकी डिपार्टमेंट्स मेरे को अभी नहीं पता है, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, आपको ये फाइंड करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये गर्ल्स का हमारा सिक रूम है। देन मैंने आपको लाइब्रेरी में बताया था कि स्लिप्स अपने पास रखना है, तो आपको वो स्लिप को यहाँ पर लाकर काउंटर में जमा करना है। ये आर्ट्स एंड कॉमर्स का काउंटर है, उधर साइंस का काउंटर था, तो यहाँ पर स्लिप सबमिट करने पर आपने जो बुक इशू किया है वो आपको मिल जाएगा। आप एक बार में टोटल 3 बुक इशू कर सकते हो और 15 दिन के लिए आप अपने पास रख सकते हो। उसके बाद आपका डेली का 1 रुपया फाइन लगेगा। देन ये हमारा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का बिल्डिंग है, जिसके अंदर हिंदी, BEd, इंग्लिश वगैरह के क्लासेस होते हैं एंड सोशियोलॉजी के भी। देन ये हमारा कॉलेज का मेन ग्राउंड है, जिसमें सारे एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह करवाए जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और भी बहुत तरह के कॉम्पिटिशन। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको ये चेयर्स दिखाई देंगे, इस पर बैठकर आप वो सारे स्पोर्ट्स का लुफ्त उठा सकते हो एंड ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर बैठकर मस्ती कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी करो, बट देयर शुड बी लिमिट। ओके, तो इसके बाद फिर यस प्लीज़ यूज़ डस्टबिन, डोंट थ्रो द डस्ट हियर एंड देयर। इसके बाद स्ट्रेट आगे बढ़ने पर आपको एक सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये हमारे कॉलेज का मेन कैफेटेरिया है ग्रीन चिल्ली, जो अभी बंद है बट अंदर से काफ़ी सुंदर है। और इसी पे फर्स्ट फ्लोर में आपको इंडोर गेम्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे कि लूडो, चेस, कैरम वगैरह, जो आप ID कार्ड दिखाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। फिर ये हमारे कॉलेज का जिम है, जिसका मेंबरशिप लेकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ फॉर आई गेस बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यस। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट। यहाँ से आगे बढ़कर राइट टर्न लेने पर हमें ब्लॉक ए दिखाई देगा। ब्लॉक ए हमारे कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है, हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। यहाँ से स्ट्रेट एंटर करने पर, राइट टर्न लेने पर आपको एक छोटा सा ऑफिस दिखाई देगा, जहाँ पर रिफंड वगैरह होते हैं। अगर आप किसी रीज़न की वजह से नाम वगैरह कटवा लेते हो, तो आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है वो आपको रिफ़ंड यहीं पर करती है। फिर यहाँ से बाहर निकलकर हम स्ट्रेट जाएंगे, जिधर एंट्री करना मना है, बट स्टिल मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए एंटर कर लेती हूँ। आगे जाकर आप हमें यहाँ पर बॉयज़ का ब्लॉक B मिलेगा। हमारे कॉलेज में टोटल ब्लॉक 3 है, ब्लॉक A, ब्लॉक B एंड ब्लॉक C, जो बॉयज़ हॉस्टल हैं। तो ये हमारा ब्लॉक B है, बॉयज़ हॉस्टल, और ये हमारे कॉलेज के चर्च का बैक लुक है। यहाँ से अब हम टर्न लेंगे और स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कॉलेज का चर्च है और ये चर्च का फ्रंट लुक है। इस चर्च में सुबह में और शाम में डेली प्रेयर होता है, तो आप भी आप यहाँ पर आकर प्रेयर कर सकते हो। हमारा चर्च अंदर से और बाहर से भी दोनों साइड से काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ से अब हम स्ट्रेट आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे।
देन यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने पर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिक है, जो इमरजेंसी के टाइम में आपको फर्स्ट एड की सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, ये हमारे चर्च का लेफ्ट साइड लुक है। इधर भी काफ़ी सुंदर है कैंपस, तो इधर हम अक्सर फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए आया करते हैं। एंड यस, इन सीढ़ियों पर आपको बैठना मना है, अर्थात वर्जित है। फिर यहाँ से हम अगेन बढ़ते जाएंगे स्ट्रेट। यहाँ पर आगे जाकर हमें एक छोटा सा एग्जिट गेट मिलेगा, यहाँ से हम एग्जिट मारेंगे और उधर जो आपको सेट दिखाई दे रहा है वो भी आप ब्रेक टाइम में यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, मस्ती कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया था, देयर शुड बी लिमिट। ये हमारे इंटरमीडिएट साइड का फ्रंट लुक है। हमारे कॉलेज में प्लस टू भी है, IA, ICOM, ISC। उधर अगेन हमारे कॉलेज का दो तीन और छोटा छोटा जो कैफेटेरिया है वो है, वहाँ पर आप जाकर लंच कर सकते हो। देन अब चलिए मैं आपको हमारे कॉलेज का पार्किंग एरिया दिखाती हूँ। कॉलेज का मेन एंट्री के जस्ट बगल में ही आपको ये एंट्री दिखाई देगी, वहाँ पर एंटर करना है। ये हमारे कॉलेज का स्टाफ पार्किंग है, यहाँ पर आपको अपना गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पार्क करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देगा, आपको अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करनी है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने पर आपको दो छोटे छोटे काउंटर्स दिखाई देंगे, ये हमारे कॉलेज का काउंटर है जहाँ पर आपको चालान वगैरह मिलेगा और यहीं पर आपको अपना कॉलेज का जो फ़ी है वो जमा करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ कि आप जब भी यहाँ पर लाइन में लगने आओगे तो प्लीज़ 9:30 से 10 के बीच में आइएगा, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो आपका लाइन में लगकर हालत ख़राब हो जाएगा। एंड आप देन अगर आपका इवनिंग या 10 बजे के बाद का क्लासेस है तो आपका सारा क्लासेस मिस हो जाएगा, तो कीप इट इन माइंड। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आप जब भी अपना गाड़ी पार्क करोगे तो मेक श्योर कि आप उसे सीक्वेंस में लगा रहे हो, बाकी यहाँ पर दो गार्ड अंकल हमेशा रहते हैं वॉचिंग के लिए। फिर अब हम यहाँ से स्ट्रेट अंदर जाएंगे। उधर का जो मैंने आपको मेन बिल्डिंग दिखाया था वो सीनियर डिपार्टमेंट था, ये हमारा इंटरमीडिएट साइड है प्लस टू। तो हमारे कॉलेज में वोकेशनल क्लासेस भी चलते हैं, तो वोकेशनल जो क्लासेस होते हैं वो हमारा ये इंटरमीडिएट साइड में दिया गया है, तो आपको यहाँ से इंटरमीडिएट में एंटर करना है। ये हमारे इंटरमीडिएट साइड का नोटिस बोर्ड है। आपको हमारे कॉलेज में हर जगह पर रूम नंबर, कौन से फ्लोर में कौन सा क्लास है वगैरह पोस्टर्स के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया गया है। आपको स्टिल फाइंड करने में दिक्कत होगी तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। उधर हमारा इंटरमीडिएट आर्ट्स का क्लासेस चलता है। तो अब हम इस स्टेयर्स के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर सारे वोकेशनल क्लासेस हेल्ड होते हैं। तो यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे, इंटरमीडिएट सेक्शन के थ्रू आपको एंटर करना है। तो ये रहा आपका HOD ऑफिस, देन लेक्चर रूम एंड डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ऊपर आकर फर्स्ट फ्लोर में ही आपका जितना वोकेशनल कोर्सेस है वो यहीं हेल्ड होता है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट सेक्शन के थ्रू मैं एग्जिट कर रही हूँ। ये स्टाफ रूम है जहाँ पर सारे प्रोफेसर्स बैठते हैं और वो इंटरमीडिएट सेक्शन का हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। यहाँ से स्ट्रेट मैं बाहर आ जाऊँगी जहाँ पर हमारा बास्केटबॉल का कोर्ट है। तो ये तो आपने कॉलेज को देखा मेरे वीडियो के थ्रू। आप जब ऑफलाइन कॉलेज देखने आओगे यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आई जस्ट होप कि आपको कॉलेज कैंपस पसंद आया हो। एंड अटेंड मैं बस यही कहूँगी कि आप जब कॉलेज आते हो तो प्लीज़ डू कम विथ सम रियलिस्टिक अप्रोच। एंड जब भी आप कॉलेज आते हो तो आपको किसी भी तरह की समस्या होती है कुछ फाइंड करने में, कुछ जानने में, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको हेल्प करूँगी। एंड मैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, माई ID इज़ फिल्मी छोरी पूर्वा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वेलकम जूनियर्स।